इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये टेबल है, राजनीतिक पार्टी है ए बी सी डी ई एफ और उनके द्वारा जीती गई सीटें। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख यानी बार ग्राफ खींचिए। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं? तो इसका बार ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। वेल, तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहां पे देखो, यहां पे पार्टियां आएंगी, तो ये तो है पार्टी, राजनीतिक पार्टी। ओके, राजनीतिक पार्टियां इस तरफ, और यहां पर आएंगी सीटों की संख्या इस तरह से। तो ये ए बी सी डी करके हम लिखेंगे यहां पे। अच्छा, सीटों की संख्या आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है 75 और सबसे कम है 10। तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे जो 10 से 75 तक सारा कवर हो जाए। तो सबसे बेस्ट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, इतना काफी है, हमें 75 चाहिए। हाँ, तो इतना काफी है, ठीक है, ओके। और वेल, अब बनाते हैं। तो जो राजनीतिक पार्टी ए है उसने जीती है 75 सीटें, तो ए के लिए 75, ये ए हो गया, तो यहां पे लिख देंगे ए। बी ने 55 सीटें जीती, तो बी 55, तो 55 50 और 60 के बीच में आएगा, ठीक है। यहां पे फिर है सी 37, तो 30 है 40 है 30 साल, तो 37 यहां पे ये आएगा, ठीक है, 37, 38, 39, 40। ये हुआ सी, यहां पे आएगा डी, यहां पे आएगा ई और यहां पे एफ, ठीक है। डी ने 29 सीटें जीती, 29 30 ये है, तो 29 इससे जरा सा नीचे आएगा, और ई ने 10 सीटें जीती हैं, तो 10। और एफ ने 37 जीती हैं, तो 37 यानी यहां पर, अच्छा 37 सी ने भी जीती थी, वेल, तो ये आ गया पहला पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट क्या है, किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिकतम सीटें जीती हैं? तो ए ने सबसे अधिकतम सीटें जीती हैं, तो पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती हैं, ओके, ये इसका आंसर हो गया है। वेल, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।